हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आप लोग का द शिवा शो में। तो आज मैं आप लोग को इन्फोसिस की लॉन्ड्री दिखाने वाला हूँ। लॉन्ड्री में खूब सारी वॉशिंग मशीन है। सब लोग को जितना कपड़ा धोने के लिए देना रहता है लॉन्ड्री में आते हैं, कोई भी वॉशिंग मशीन में डालते हैं, वॉशिंग मशीन से ड्रायर में डालते हैं, या तो आप लोग उनको भी सर्विस दे सकते हैं। 150 रुपीज़ चार्ज लगता है अगर आप उनसे करवा रहे हैं, अपना सामान दे रहे हैं रूम से वो लेके जाएंगे। अगर हमें खुद करना है अपना वॉशिंग और ड्राइंग मशीन में जाके, तो 100 रुपीज़ चार्ज है। चलते हैं, आपको लॉन्ड्री दिखाते हैं। बहुत बड़ी लॉन्ड्री यहाँ पे, डिफरेंट है। यहाँ पे बेडशीट्स के लिए अलग चीज़ है, उनकी प्रेसिंग अलग तरीके से होती है। यहाँ पे सिलाई की मशीन से आप लोगों को सिलने के लिए देना, बहुत चीज़ें हैं। तो चलिए चलते हैं लॉन्ड्री के अंदर, आपको दिखाते हैं। चलिए चलते हैं, रास्ते में आ गए हम। ये देखिए लॉन्ड्री ऊपर लिखा हुआ है, ये हमारी लॉन्ड्री इन्फोसिस की पुणे कैंपस की ये लॉन्ड्री। यहाँ पे रेट से ये देखिए कितनी सारी वॉशिंग मशीन्स हैं यहाँ पे। सबने का हमारा दोस्त सूरज खड़ा है, वो भी कपड़े दे रहा है। बाकी आप देख सकते हैं मशीन्स है, ये नीचे वॉशिंग मशीन है, ऊपर आप ड्रायर देख सकते हैं। ये देखिए अभी वॉशिंग मशीन में इसमें सूरज डालेगा कपड़े, ऊपर किसी के ड्रायर में कपड़े सूख रहे हैं। इतनी सारी वॉशिंग मशीन है, काउंट करेंगे आप खूब सारी हैं। मतलब लोगों को दिक्कत नहीं होती, यहाँ पे सिस्टम बहुत ही अच्छा है। यहाँ से प्रेशर डेवलप किया जाता है कि जो पानी का प्रेशर आए वो अच्छे से आए, सो दैट अच्छे से कपड़े धुलें। ये यहाँ के टिल्लू पंप हैं जहाँ से प्रेशर आता है पानी का, और सब चीज़ अच्छे से प्रेशर मेंटेन किया जाता है। ये देखिए डिस्चार्ज प्रेशर है, ये चार्ज प्रेशर है, थोड़ा दूर रहते हैं हम करंट ना लगे। इन्हीं में से अभी एक सूरज एक कपड़े में डालेगा, आप देख सकते हैं भैया आ गए अपने, वो वॉशिंग मशीन देंगे उसको कौन सी करनी है। ये देखिए सूरज आ गया अपने कपड़े लेके, पूरे भर के कपड़े रखा है, कोई धोता कुछ नहीं है। देखिए सब कपड़े एक एक करके डाल, हम पे क्या डाल रहे हो, अंदर डालो। चलिए आप लोगों आगे की, ये है लॉन्ड्री यहाँ की, देख सकते हैं सारे कपड़े सारे तौलिया यहीं पे धुलते हैं। और यहाँ पे सारे जो भी बेडशीट्स होती हैं वो इसमें से डायरेक्ट प्रेस होके निकलती है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे बेडशीट डालते हैं और डायरेक्ट प्रेस होके धुल के पूरा निकल जाती है। और यहाँ पे जितने भी हमारे कुशन कवर्स बेडशीट रजाई सब इसमें बड़े वाली वॉशिंग मशीन में जाती हैं, आप देख सकते हैं कितनी बड़ी है, अंदर से बहुत ज़्यादा बड़ी है। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे खूब सारी वॉशिंग मशीन है, यहाँ पे भी कपड़ा धुल रहा है, आप देख सकते हैं अंदर पूरे बेडशीट्स हैं, पूरा घूम रहा है अच्छे से। ये देखिए यहाँ पे भी, और यहाँ पे प्रेसिंग का काम होता है। जैसे अगर आपने प्रेस के लिए कपड़े दिए हुए हैं तो सबके देखिए यहाँ पे हर नंबर है, नंबर सबके ड्रेस पे लगा रहता है, वो देखिए सबके शीट्स रखे हैं। सबने जिन्होंने प्रेस के लिए कपड़े दिए हैं यहाँ पे बैग्स में आता है, लॉन्ड्री बैग में। ये देखिए यहाँ पे प्रेस होते हैं कपड़े, प्रेसिंग के लिए सबका अलग अलग सिस्टम है। थोड़ा एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं 10 रुपीज़। और यहाँ पे रिसेप्शन है, आप देख सकते हैं यहाँ से एयर डेवलप किया जाता है, और वो हाउसकीपिंग स्टोर है, वहाँ पे अभी अलाउड नहीं है जाना, तो हम जा नहीं सकते। और बस यही थी यहाँ की लॉन्ड्री। वो देखिए सॉइल डस्टर कुछ होगा ये मटेरियल, वहीं से बनता है, प्रेशर मेंटेन किया गया अच्छे से। ये टिल्लू पंप है यहाँ के, ये भी कुछ है रेस्ट्रिक्टेड एरिया, हम अंदर से आपको यहीं से दिखा दे रहे, बाकी पास से नहीं दिखा सकते। वो देखिए ट्यूब सेटलर है, वो है फ्लैश मिक्सर एंड फ्लक्यूलेटर, बाकी बहुत चीज़ें हैं। यहाँ से पानी का ही प्रेशर मेनली डेवलप होता है, और यहाँ पे CO2 खूब सारे सिस्टम है, मशीन्स हैं यहाँ पे, बॉन्डिंग है, कन्फाइंड स्पेस है, परमिट टू वर्क मस्ट बी ऑब्टेन। और सबसे बड़ी वॉशिंग मशीन है जो यहाँ की ड्रायर वाली, वो देखिए ये है, वहाँ पे धुलते हैं और यहाँ ड्राई होते हैं। ये यहाँ की सबसे बड़ी वॉशिंग मशीन है जो ड्रायर करती है, सिर्फ ड्राइंग के लिए यूज़ होती है। एमरजेंसी स्टॉप बटन भी दिया गया है, यहाँ देखिए आप कपड़े भी इसमें ड्राई हो रहे हैं। ये देखिए कितने सारी बेडशीट है, ये एक्चुअली कारपेट है सबके, जो भी बाथरूम के सामने या फिर रूम के सामने कारपेट रखा जाता है वो सब सबके यहीं पर वॉश हो रहे हैं। फिर वीकेंड मतलब हर सैटरडे संडे वो चेंज होते हैं। ये देखिए, चलिए गाइस यही था दिखाने के लिए आप लोग को, होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, यहाँ की आपने लॉन्ड्री देख ली है। तो के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वॉक में।